गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। कल हमने EVS में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था माय बॉडी, और सेकेंड चैप्टर में हमने माय सेंस ऑर्गन पढ़े। कितने टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। और कल हमने जो पढ़े थे वो पढ़े थे आइज, नोज एंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे टंग। वी हैव अ टंग, इट हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक। हम सबके पास टंग होती है। टंग का मतलब होता है जीभ, और जीभ हमें किस काम आती है? जीभ हमें काम आती है किसी भी खाने को टेस्ट करने में और बोलने में। देयर आर डिफरेंट टेस्ट आर स्वीट, सॉल्ट, बिटर एंड सॉल्टी। अलग अलग टाइप्स के फ्लेवर्स होते हैं। कौन कौन से? मीठा, खट्टा, तीखा और फीका, नमकीन। तो इन सब फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए हमें टंग यूज में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्किन हेल्प अस टू सेंसेस द टच। स्किन किस लिए काम आती है? किसी भी सेंस को टच करने के लिए काम आती है। इट गिव अस द सेंसेशन ऑफ एनीथिंग। देखो, स्किन किस लिए काम आती है, आई एक्सप्लेन। जब भी आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो, और जब हाथ लगाते ही वो जब हाथ जलता है, यू फील कि अच्छा हाथ गर्म हो रहा है, जल रहा है, तो आप हाथ दूर कर लेते हो। अगर आपके पास स्किन नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ गर्म है, उसे छूने से मेरा हाथ जल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ठंडी चीज़ को टच करते हो, जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस चीज़ को टच करने के बाद जब आप हाथ पीछे लेते हो, यू रियलाइज़ कि वो चीज़ बहुत ठंडी है और आप उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। वैसे ही स्किन आपको सर्दी, गर्मी, इन सब से बचाने, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन आपकी वर्कआउट करती है। तो ये थे आपके 5 सेंस ऑर्गन्स, ईयर, नोज, आइज, टंग एंड स्किन। क्योंकि ये किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं, और जब हम किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करते हैं, जिन चीज़ों की वजह से रिस्पॉन्स होता है, उन्हें बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हैंड्स। वी हैव टू हैंड्स, सबके पास दो दो हाथ होते हैं। ईच हैंड हैज़ 4 फिंगर एंड 1 थंब। हर किसी के हाथ में 4 अंगुली और 1 अंगूठा होता है। अवर फिंगर एंड थंब हैज़ नेल्स ऑन देम। आपने देखा होगा कि आपकी जो फिंगर्स और जो थंब है, आपके दोनों हाथों के, उनके ऊपर नेल्स यानी नाखून आ रखे होते हैं, जिनको हम संडे टू संडे कट करते हैं। और जब आप स्कूल में कट करके नहीं आते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलता है। वी यूज़ अवर हैंड टू फील थिंग, टू राइट, टू ईट एक्सेट्रा। अब हाथ किस काम आते? देखो, किसी भी काम को करने के लिए हाथ का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हाथ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको खाना खाना है तो जब तक आप खुद अपने हाथों से उस निवाले को अपने मुंह तक नहीं लेके जा सकते, तो आप वो चीज़ नहीं खा सकते। आपको पानी पीना है तो उसके लिए भी आपको ग्लास को अपने हाथ में होल्ड करना होगा। आपको पढ़ना है तो जब आप कुछ लिखोगे ब्लैक बोर्ड से, या आप बुक से कुछ नोट डाउन करोगे, तो उसके लिए भी आपको हाथ की ज़रूरत होगी। आप खेल रहे हो तो बॉल फेंकने के लिए आपको हाथ की ज़रूरत होगी। तो विदाउट हैंड्स हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टर्न द पेज नंबर 10, लेग्स। वी हैव 2 लेग्स, सबके पास 2 पांव होते हैं। ईच लेग हैज 1 foot and 5 toes। देखो, हर किसी के पैर में, आपके थाई से लेके जो एंकल होता है वहाँ तक तो होते हैं लेग, फिर जो नीचे जिसके थ्रू आप चलते हो उसे कहते हैं फुट। हर एक मतलब एक फुट में, हर किसी के पास 2 foot होते हैं, एक फुट में 5 फिंगर्स होते हैं, मतलब 4 fingers 1 thumb। उनके ऊपर भी नेल्स होते हैं।
Our toes give have nails on them. We run, stand, jump, kick, dance, etc. with the help of our legs. अच्छा, अब पाँव की हेल्प से क्या कर सकते हैं? अगर पाँव नहीं होते तो आप चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, रन नहीं कर पाओगे, जंप नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, आप फुटबॉल को किक नहीं मार सकते हो. तो विदाउट लेग लाइफ बहुत क्रिटिकल हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम वाली हो जाती है. माउथ, अवर माउथ हैज टीथ एंड लिप्स. सबके पास एक ही मुंह होता है जिससे आप सारे दिन क्लास में चिल्लाते रहते हो वैसे. और माउथ के अंदर होते हैं टीथ. क्या होते हैं? टीथ, लिप्स. दे हेल्प अस टू स्पीक. और माउथ, और जो माउथ जो होता है वो हमें बोलने के लिए काम आता है. टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू कट, च्वेंग एंड ग्रेन द फूड. अच्छा, दांत किस काम आते हैं? दांत, आप जब छोटे थे तो आप किसी को काटते थे, जो छोटे बच्चे थे ना, देखो आप उसको, उनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेंगे, आपको काटने लगेंगे. फिर आप मम्मा को बोलते हैं, मम्मा बाबू ने काट लिया. तो दांत काटने के काम आते हैं. दांत वैसे काटने के काम नहीं आते, दांत खाना खाने के काम आता है. मैं आपको सिर्फ थोड़ा एंटरटेन करी थी ताकि आप क्लास में बोर ना हो. तो दांत किस लिए काम आते हैं? दांत काम आते हैं खाना खाने के लिए. आप जो फूड खाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिस्किट खाते हो तो पहले आप बिस्किट को कट करते हो. कट इन सेंस कि एकदम एक बाइट में तो पूरा बिस्किट अंदर लेते नहीं हो. बिस्किट के दो टुकड़े करते हो, तो दो टुकड़े कैसे करते हो? विथ द हेल्प ऑफ योर टीथ. तो दांत के हेल्प से आप पहले उन बिस्किट को कट करते हो, फिर इसको च्विंग करते हो, उनको चबाते हो, तभी निगलते हो ना. वी ऑल्सो हैव अ टंग इन साइड अवर माउथ. और जीभ भी हमारे मुँह के अंदर ही होती है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक. जीभ की हेल्प से ही हम बोल पाते हैं. तो ये हो गया आपका सेकेंड चैप्टर आज. तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. डू थिंक एंड डू, जो ए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर बी एंड सी. ओके, मेक आपको स्माइली बनाना है. अगर राइट है तो हैप्पी वाला स्माइली, और रॉन्ग है तो सैड वाला. यानी देखो, स्माइली ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको उनके लिप्स बनाने हैं. ये देखो, कुछ ऐसे स्माइली बनी हुई है. ये देखो, कुछ ऐसी स्माइली बनी हुई है जिसमें आपको क्या करना है. अच्छा, कुछ ऐसी स्माइली बनी हुई है. अब आपको अगर वो जो स्टेटमेंट दे रखा है वो राइट है तो आपको स्माइली कुछ ऐसी बना देनी है, और इन केस अगर वो रॉन्ग है तो आपको ये लिप्स ऐसे नीचे किस तरह बना देने. गॉट इट? अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखो, एयर हेल्प अस टू हियर. कान हमें सुनने के काम आते हैं, यस और नो? यस. तो अब आप इसमें हैप्पी वाली, फर्स्ट वाले में हैप्पी वाली स्माइली बना दोगे, ऐसी वाली. स्माइली हैप्पी वाली फर्स्ट में बना दीजिए.
नाउ कम टू सेकेंड, वी हैव वन टंग. क्या हमारे पास वन टंग है, यानी एक ही जीभ है? तो सबके पास एक ही जीभ होती है, तो सेकेंड वाले में भी हैप्पी वाली स्माइली बना दो. फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड हो चुका है, इन दोनों में हैप्पी वाली स्माइली बनेगी. नाउ कम टू द थर्ड, स्किन हेल्प अस टू सेंस द टच. स्किन किस लिए हेल्प करती है हमें सेंस, मतलब स्किन किस लिए हेल्प करती है सेंस, जो स्किन हमें हेल्प करती है किसी भी टच को फील, यानी वो जो टच हमें हुआ है वो टच का सेंसर होता है कि वो टच जो हुआ है वो किस टाइप का है और उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए. तो स्किन हमें यही हेल्प करती है. तो थर्ड वाले में भी हैप्पी वाली स्माइली बना दो, जो मैंने ऊपर बना रखी है. हो गया डन, आगे बढ़े. पॉइंट नंबर 4, ईच हैंड हैज 4 फिंगर एंड अ थंब. ईच मतलब हर एक हाथ में 4 फिंगर एंड अ थंब. ईच फिंगर एंड वन थंब होते हैं. हर एक हाथ में और एक थंब होता है, राइट या रॉन्ग? तो ये भी हो जाएगा आपका राइट, तो इसमें भी बन जाएगी स्माइली हैप्पी वाली. तो अब तक जितने भी स्माइली हमने बनाई है सारी वो हैप्पी वाली है, कोई भी सैड वाली नहीं है. हो गया, आगे बढ़े. अब नाउ कम टू फिफ्थ, अवर टू ऑल्सो हैव हेयर ऑन देम. तो ये क्या हमारे पैरों पे नाखून होते, पैरों की उंगलियों में नाखून होते हैं या बाल होते हैं? तो क्या होते हैं? नाखून, नेल्स होते हैं ना. तो अब आप बनाओगे फिफ्थ वाले में सैड वाली स्माइली. और सैड वाली स्माइली कैसे बनाओगे? ऐसे. तो फिफ्थ वाले में बनाओ सैड वाली. हो गया, अब आते हैं सिक्स में. टीथ हेल्प अस टू कट च्यूइंग एंड ग्रेन द फूड. क्या दांत हमें बाइट यानी काटने, कट करने को, उस खाने को चबाने में हेल्प करते हैं? यस, तो इसमें हो जाएगी वापस से हैप्पी वाली स्माइली, यानी ये वाली. सिर्फ जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला यानी ये वाला, उसमें सैड स्माइली आएगी, बाकी सब में हैप्पी वाली स्माइली आएगी. तो बी क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया है. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी. सबका कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी. चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच बॉक्स. देखो आपको हाईलाइट ब्लैक कलर से, ये देखो, एक मिनट. आपको देखो हाईलाइट कलर, हाईलाइट ब्लैक कलर से कुछ लिख रखा. मैं जहां अंडरलाइन कर रही हूं उन वर्ड्स को ही देखना सिर्फ. तो इन ये जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है और फिर ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं आपको यहाँ पे, इन बॉक्सेस में फिल करना है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वी हैव नेल्स स्लैश हेयर ऑन अवर हेड. आपको आपके सर पर बाल हैं या नाखून है? तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा? हेयर. फर्स्ट का क्या टिक हो जाएगा? हेयर. और हेयर की स्पेलिंग क्या होती है? मैं यहाँ लिखती हूँ हेयर, एच ए आई आर, हेयर. अब आपको हेयर यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स जहाँ पे मैंने अभी अंडरलाइन किया है यहाँ पे लिखना है. इस बॉक्स में, फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको हेयर लिखना है, एच ए आई आर, हेयर.
लिख दिया सबने। नाउ कम टू सेकेंड, वी हैव टू स्लैश वन नोज, सबके पास कितनी नोज होती है, वन और टू, तो आंसर हो जाएगा वन, आंसर हो जाएगा वन, वन। तो सेकेंड वाले में लिखो वन, ओ एन ई वन, सेकेंड वाला जो बॉक्स है ग्रीन वाला, इसमें लिखो ओ एन ई वन, ओ एन ई वन। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। नाउ कम टू थ्री, थर्ड, आईज हेल्प अस टू सी स्लैश स्मेल, आईज हमें क्या हेल्प करती है, देखने के लिए काम आती है आंखें या फिर सूंघने के लिए, तो आंखें किस लिए काम आती है, सी, देखने के लिए, और सी की स्पेलिंग क्या है, एस डबल ई सी, सी मतलब देखना, और वो थर्ड वाले ऑप्शन में लिखो सी, इस वाले में थर्ड वाले बॉक्स में लिख दो सी, एस डबल ई सी, सी मीन्स देखना। हरी अप, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू फोर्थ, वी राइट एंड रन विद द हेल्प ऑफ अवर लेग, हम हमारे पैरों की हेल्प से क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं या भागना सीखते हैं। रन का मतलब क्या होता है, भागना, तो बताओ फोर्थ का आंसर क्या होगा, राइट और रन, दोनों में से कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा रन, आर यू एन रन, आर यू एन रन, लिखो फोर्थ वाले ऑप्शन में, इस वाले फोर्थ वाले बॉक्स में लिखो रन, आर यू एन रन। नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अवर लिप्स हेल्प अस टू टेस्ट और स्पीक, हमारे जो होंठ होते हैं वो किस काम आते हैं, टेस्ट करने के लिए या फिर बोलने के लिए, तो इसका आंसर होगा टू स्पीक। तो फिफ्थ वाले बॉक्स में लिख दो स्पीक। हो गया सबका, जल्दी करो। नाउ कम, अच्छा अब डी क्वेश्चन, और जो अब जो डी वाला क्वेश्चन है, और जो ए वाले क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी जो आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, आप वो घर पे अच्छे से पढ़ना, देन आफ्टर हम न्यू नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर ए और डी करेंगे। थैंक यू।